आइए दोस्तों एक सवाल करते हैं जो मैंने आपको दिया था, और ये भी सीखते हैं कि किस तरह से ऐसे सवालों को हम बहुत ही आसानी से करेंगे। तो यहाँ पर सवाल दिया गया था, दो पॉइंट थे। पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया था 3p, 4, और दोस्तों दूसरा एक पॉइंट दिया गया था जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया था -2, 2q। फिर सवाल में कहा जा रहा था कि इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट दिया गया है। मिड पॉइंट दोस्तों क्या है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 6। तो सवाल में हमसे पूछा ये जा रहा था कि P प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इसे अंडरलाइन किया हुआ है, तो हमें P प्लस क्यू की वैल्यू निकालनी थी। अब दोस्तों P प्लस क्यू की वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले हमें P और सबसे पहले Q की वैल्यू निकालनी होगी। तो किस तरह से इसे हम निकालेंगे, देखिए सवाल में ये कहा गया था कि इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट दिया गया है 2, 6। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, देखिए हम एक्स का कोऑर्डिनेट किस तरह से निकालते हैं। यदि मिड पॉइंट दिया गया हो हम क्या करते हैं, x1 + x2 कर देते हैं, इसे दोस्तों 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो x का कोऑर्डिनेट यानी कि हम किस तरह से निकालते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों पॉइंट का हम x का कोऑर्डिनेट ले लेंगे, यानी कि 3p, ये इसमें जोड़ देंगे दोस्तों -2 को, तो इसमें हो जाएगा -2, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से x का कोऑर्डिनेट निकल के आ जाता है जो कि दिया गया है सवाल में 2, तो इसे हम 2 के बराबर कर देंगे। अब दोस्तों इसे हम जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिए 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3p - 2 = 2, 2 = 4। जब यहाँ हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये 4 हो जाएगा। यहाँ से हमें पी की वैल्यू निकालनी है, तो 3p = यहाँ -2, इधर आके +2 हो जाएगा, तो 4 + 2 यानी कि 6। तो यहाँ से दोस्तों P की वैल्यू निकल के आ जाएगी, P = 6/3 = 2। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है P की वैल्यू निकल के आ चुकी है, P = 2। उसी प्रकार जो है हम Q की वैल्यू निकाल लेंगे। Q की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं दोस्तों, Y का कोऑर्डिनेट बराबर होता है y1 + y2/2 के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों Y का कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो Y का कोऑर्डिनेट दिया गया है 6। 6 कोऑर्डिनेट आया कि कब होगा, जब हमने y1 + y2 किया होगा, यानी कि 4 + 2q, इसे 2 से डिवाइड किया गया होगा तो 6 आ गया होगा। तो यहाँ से दोस्तों हम निकाल लेंगे किसकी वैल्यू, q की वैल्यू। यहाँ से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा 2 + q, और दोस्तों 2 नीचे डिवाइड रहेगा, = 6। अब यहाँ देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ q की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी q = 6 - 2 = 4। तो यहाँ P की वैल्यू आ चुकी है 2 और Q की वैल्यू दोस्तों आ चुकी है 4। तो हमें पूछा गया था, हमसे पूछा जा रहा था कि P प्लस Q की वैल्यू क्या होगी, तो इसे हम ऐड कर देंगे, P आया है 2 और Q आया है 4, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये सवाल करना था, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं P + Q = 2। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या आ चुका है, इसका राइट आंसर आ चुका है 6। यही हमारा जो है सही आंसर है। यदि ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है तो बहुत ही आसानी से आपको ऐसे सवालों को करना है। हमने देखिए किया क्या, मिड पॉइंट का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट पहले ही दिया गया था, तो हमने मिड पॉइंट निकाला, उसे बराबर कर दिया। यहाँ पर एक वेरिएबल छुपा हुआ था, तो वहाँ से पी की वैल्यू निकाल ली। उसी प्रकार वाई वाला फॉर्मूला हमने लगाया, वहाँ से वाई का कोऑर्डिनेट निकाला जो कि दिया गया था सवाल में। वहाँ से दोस्तों हमने जो है क्यू की वैल्यू निकाल ली, तो पी प्लस क्यू पूछा गया था, उसे हमने जोड़ के पी प्लस क्यू की वैल्यू आ चुकी है। देखिए ये सवाल जो है सैम्पल पेपर में आया था, और इस तरह का सवाल जो है टर्म फर्स्ट में भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे सवालों को जो है प्रैक्टिस करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, और माफ़ी चाहता हूँ कि जो है बोर्ड पे हम इस सवाल को नहीं कर पाए, इस तरह से इस सवाल को हमें करना पड़ा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।